Neha got a loan without security. If you want to know how, watch the video till the end. दो दोस्त हैं, जय एंड नेहा. जय को कैश चाहिए अपने घर को रेनोवेट करने के लिए और नेहा को पैसों की जरूरत है अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए. जय ने पैसों के लिए अपने घर को कोलैटरल रख दिया, उस पर सिक्योर्ड लोन ले लिया. सिक्योर्ड लोन मतलब जहां आपके एक एसेट जैसे लैंड, हाउस, कार, एक्विटी को गिरवी रखकर उसके सामने लोन लेते हैं. पर नेहा के पास ऐसा कोई एसेट नहीं था. भला कोई शादी का मंडप थोड़ी कोलैटरल में दे सकता है. तो नेहा ने चुना अनसिक्योर्ड लोन का रास्ता, ऐसा लोन जो मिलता है बिना किसी कोलैटरल के. अच्छा, तो ऐसा लोन मिलता है पर कैसे, चलो जानते हैं. पर उससे पहले हमको सब्सक्राइब तो कर लो. नेहा की स्टेबल इनकम थी, वो बहुत टाइम से सैलरीड एम्प्लॉयड थी. नेहा की क्रेडिट स्कोर कमाल का था और वो अपना हर बिल टाइम पर ही पे करती थी, जिसके कारण ही उनका सिबिल स्कोर अच्छा रहा था. इसके अलावा नेहा ने ना कभी एक साथ बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई किया और जो भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट था वो पुराना लोन लिया था उसको टाइम पर या टाइम से पहले ही पे कर दिया. ये सब के कारण नेहा को आसानी से पर्सनल लोन भी मिल गया. पर ध्यान रहे, नेहा के पर्सनल लोन लेने के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही गई. नेहा गई IIFL फाइनेंस की वेबसाइट और बहुत आसानी से और एकदम क्विकली उन्होंने पर्सनल लोन ले लिया और इस तरह नेहा अपनी ड्रीम वेडिंग बहुत धूमधाम के साथ कर पाई. आप बताओ कैसी लगी आपको जय और नेहा की कहानी. पसंद आई तो हमको फॉलो करो और हाँ, हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, देखना मत भूलना.